हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड कुछ और एडवांस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो देखिए, आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं जिसमें आपको प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के बाद में, मतलब प्रॉफिट को बांटने के बाद में जो आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को भी वापस क्या करना है, रीअप्रोप्रिएट करना है। तो उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए, हम क्वेश्चन ध्यान से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ डायना लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग। डायना लिमिटेड के पार्षद अंतरनियम में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ आपको बताई गई है। देखिए, प्रोविजन क्या क्या है, दैट 10% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर शैल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ये बोल रहे हैं कि जो भी ईच ईयर का प्रॉफिट होगा एवरी ईयर का, उसका 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। सेकेंड, दैट एन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ इक्विटी डिविडेंड शैल बी सेट असाइड फॉर द बोनस टू स्टाफ। ये बोल रहे हैं कि जो इक्विटी डिविडेंड रहेगा उस इक्विटी डिविडेंड का 10% आपको बोनस देना है, किसको, स्टाफ को। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं, दैट द बैलेंस अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी अप्लाइड। तो बाद में जो भी बैलेंस प्रॉफिट रहेगा उसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इन पेइंग 10% ऑन द कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। उसमें से आपको 8% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर को क्या देना है, डिविडेंड देना है। ठीक है, सेकेंड है बी पॉइंट, इन पेइंग 10% ऑन इक्विटी शेयर्स, और आपको 10% डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, एंड 40% ऑफ द बैलेंस अवेलेबल, इसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है, ठीक है, क्या क्या करने के बाद, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद, स्टाफ को बोनस देने के बाद में, प्रेफरेंस को डिविडेंड देने के बाद, और इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद में अगर आपके पास कोई प्रॉफिट बचता है तो उसका 40% क्या देना है, एडिशनल डिविडेंड देना है ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, 40% ऑफ द बैलेंस अवेलेबल एज अ एडिशनल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड द बैलेंस एज अ एडिशनल इक्विटी डिविडेंड। और उसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है, मतलब एडिशनल डिविडेंड देने के बाद प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको क्या करना है, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने के लिए यूज करना है। ठीक है, आगे देखिए, अ फर्दर कंडीशन वॉज ऑल्सो इम्पोज बाय द आर्टिकल्स दैट द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड शैल नॉट बी रिड्यूस बाय द प्रोविजन अंडर 2, 3B and 3C बिलो द सम इक्वल टू 6% ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा एक और प्रोविजन ये है कि आपके जो ये पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 3 का जो बी और सी पॉइंट है, ठीक है, बी मतलब क्या देना है, इक्विटी शेयर को डिविडेंड देना है, और सी पॉइंट जो है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो बचता है उसका एडिशनल डिविडेंड देना है, इनका प्रोविजन करने के बाद में आप जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे बैलेंस शीट में, वो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है वो प्रेफरेंस शेयर के 6% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर कही गई है। देखिए, इसी बात को हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में देखिए क्या कह रखा है, ये देखिए, अंतरनियम की अन्य शर्त के अनुसार उक्त प्रावधान 2, 3B और 3C के पश्चात जो राशि आगे ले जाई जाए वह पूर्वाधिकार अंश पूंजी के 6% से कम न हो। मतलब आप जो बैलेंस ट्रांसफ़र करोगे, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू द बैलेंस शीट, वो आपके प्रेफरेंस शेयर के 6% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड देन देखिए आगे आपको अदर इन्फॉर्मेशन क्या कह रखी है, द कंपनी हैज़ इशूड 20,008% कम्युलेटिव पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने 20,008% 100 रुपीज़ वाले प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, ठीक है, फुली पेड अप, एंड 1,50,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। इसके अलावा 1,50,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपीज़ वाले। ठीक है, द नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 20,000। और जो नेट प्रॉफिट है कौन से ईयर का, 18-19 का, वो आपको बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स दे रखा है। देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स दे रखा है कितना, 20 लाख का, एंड द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो प्रॉफिट था उसका जो बैलेंस था वो कितना बचा हुआ है, 2,39,570। प्रोवाइड द
2 lakh फॉर द डेप्रिसिएशन एंड ₹5,61,600 फॉर द टैक्सेशन बिफोर मेकिंग अदर अप्रोप्रिएशंस। इसके साथ में आपको ये भी कहा गया है कि 2 लाख रुपये डेप्रिसिएशन के लिए और 5,61,600 रुपीज़ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के लिए आपको क्या करना है, यूज़ करना है दूसरा कोई भी अप्रोप्रिएशन करने के पहले। ठीक है, मतलब आपको पहले डेप और टैक्स माइनस करने हैं, देन आपको अप्रोप्रिएशंस करने हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको बताया गया है प्रिपेयर अ नोट टू बी एनेक्स टू द बैलेंस शीट शोइंग एलोकेशंस एंड अप्रोप्रिएशंस ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 एज्यूमिंग दैट द डायरेक्टर्स प्रपोज एंड पेड द डिविडेंड एंड बोनस टू स्टाफ फॉर द ईयर 17-18 ड्यूरिंग द करंट ईयर एज अ प्रोवाइडेड अबव एज्यूम द रेट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20.56%। ठीक है, इन्होंने बोला कि आपको एक ऐसा नोट बनाना है जिसमें आप क्या बता सको, अलोकेशंस एंड अप्रोप्रिएशंस बता सको और प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र करना है बैलेंस शीट में वो आप बता सको, और डायरेक्टर ने जो पिछले साल का 17-18 का जो भी डिविडेंड वगैरह है वो पेड कर दिया है और साथ में आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की रेट भी बता रखी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बनाना होगा एक सरप्लस अकाउंट, तो वो हम बनाएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में वो आपको दे रखा है बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो आपको क्या करना है उसको आफ्टर टैक्स वाला कैलकुलेशन करना है। तो 31st March 2019 का जो प्रॉफिट आपको दे रखा है बिफोर टैक्स वो हम लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, वो आपको दे रखा है 20 लाख का। ठीक है, उसमें से हम सबसे पहले जो लेस करेंगे वो करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको बोला गया है कि कितना 2 लाख रुपीज़ का प्रोविज़न करना है, तो 2 लाख रुपीज़ हम इसमें से माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 18 लाख और वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसमें से टैक्सेशन माइनस कर लेंगे, लेस प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन आपको बताया गया है क्वेश्चन में 5,61,600। ठीक है, इसके बाद में जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर 2018-19, ये 18-19 का प्रॉफिट है। ठीक है, ये कितना बचेगा हमारे पास, ये 12,38,400 बचेगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया, पहले क्या किया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस प्रॉफिट को यूज़ करेंगे किसके लिए, अप्रोप्रिएशन के लिए। तो हमारे पास ये वाला प्रॉफिट और इसके साथ में पिछले साल का प्रॉफिट भी अवेलेबल है, तो हम लिख देते हैं कि हमारे पास टोटल कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेट प्रॉफिट ऑफ 2018-19, ये मेरे पास है 12,38,400। ठीक है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, इसमें हमने ऐड कर दिया बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हमारे पास बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में 2,39,517। तो हमारे पास देखिए टोटल कितने प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 14,77,970। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशंस। ठीक है, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशंस हमारे पास कितने होंगे, 14,77,970। ठीक है,
तो ये प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से हमें कौन कौन से अप्रोप्रिएशंस करने हैं। तो देखिए हम यहाँ पे वो सारे अप्रोप्रिएशंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अप्रोप्रिएशंस इज एज फॉलोज। ठीक है, अप्रोप्रिएशंस हमारे कौन कौन से होंगे इस प्रॉफिट में से, मतलब इस प्रॉफिट को हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो सबसे पहला काम इसमें से हमें करना है क्या, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जैसा कि कहा गया है किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ठीक है, कितना ट्रांसफ़र करना है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उन्होंने बोला 10% ईच ईयर के प्रॉफिट का 10%, तो हमारे इस साल का प्रॉफिट है 1,238,400। ये देखिए ये हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है, आफ्टर टैक्स वाला, तो वो हमें ये लेना है, इसी का ही 10% हमें करना है। तो हम इसका 10% लेंगे तो कितना आएगा, 1,23,840। ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। सेकेंड अप्रोप्रिएशन क्या करनी है, सेकेंड अप्रोप्रिएशन हमें प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड बोल रहे हैं 8% देना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी, 20 लाख की है, तो 20 लाख के ऊपर 8% हमें क्या देना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना है। तो 20 लाख का 8% किया हमने, तो ये आया कितना, 1,60,000 प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। और फिर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है तो टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड भी होगा, ये जो डिविडेंड दिया है उसके ऊपर टैक्स, तो टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इसके ऊपर हमें टैक्स निकालना 1,60,000 पर। जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की रेट है 20.56%, ठीक है, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, तो हम इसका निकालेंगे टैक्स, तो कितना आएगा, ये आएगा 32,896। ठीक है, तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के ऊपर। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन हमें देखिए क्या करना है, पॉइंट नंबर 4, इक्विटी शेयर को डिविडेंड देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्विटी शेयर डिविडेंड, इक्विटी शेयर का डिविडेंड 10% देना है हमें, ठीक है, और इक्विटी शेयर है हमारे पास कितनी, 15 लाख की, 1,50,000 शेयर है 10 रुपीज़ वाले, तो हो जाएंगे 15 लाख, और इसका हमें 10% देना है डिविडेंड, तो इसका 10% किया हमने, तो ये आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, फिर हम फिफ्थ जो लिखेंगे, टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड, टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड, तो इक्विटी डिविडेंड 1,50,000 है, 1,50,000 पर 20.56%, तो इसका हम 20.56% करेंगे, तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 30,840। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे, फिर बोल रहे हैं सिक्स, स्टाफ को बोनस देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं बोनस टू स्टाफ, ठीक है, बोनस टू स्टाफ, देखिए कितना देना है, इक्विटी शेयर के डिविडेंड का 10%, तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड है 1,50,000, ये रहा, इसका हमें करना है 10%, वो बोनस को स्टाफ को बोनस देना है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा। ठीक है, ये जैसा इन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो जो बोला है कि जनरल रिजर्व में 10% देना है, प्रेफरेंस शेयर को 8% डिविडेंड देना है, फिर टैक्स तो देना ही है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे, फिर इक्विटी शेयर को 10% डिविडेंड और स्टाफ को बोनस, तो ये हमने दे दिया। इसके साथ में एक प्रोविज़न और बताया है उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि आप जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे बैलेंस शीट में वो प्रेफरेंस शेयर से कितना नहीं होना चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट जो अप्रोप्रिएशन है 7 नंबर वाली वो भी यहाँ लिख देते हैं, वो लिखते हैं मिनिमम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट
कैरी टू बैलेंस शीट, कि आपको बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। तो इक्विटी शेयर का कितना 6%, तो हम 20 लाख, सॉरी प्रेफरेंस शेयर का 6%, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 लाख की, उसका हमें 6% लेना है, तो उसका हम 6% करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,20,000। तो ये सारे अप्रोप्रिएशंस हमें उस प्रॉफिट में से करने थे, ठीक है, तो हमने कर दिए। अब देखिए, फिर हम करेंगे सारे अप्रोप्रिएशंस की टोटल। अभी तक हमें जो अप्रोप्रिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताए गए थे वो हमने सारे लिख दिए हैं, तो अब हम करेंगे इनकी टोटल। तो इनकी टोटल होगी 6,32,576, इसे हम कहेंगे टोटल अप्रोप्रिएशंस। इसके बाद में हम निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन करने के बाद में हमारे पास कितना प्रॉफिट बचता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल था वो था 14,77,970, जिसमें से हमने 6,32,576 के अप्रोप्रिएशन कर दिए। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा होगा आफ्टर अप्रोप्रिएशन? आफ्टर अप्रोप्रिएशन हमारे पास प्रॉफिट बचा 8,45,341, ठीक है, ये प्रॉफिट हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो इसका हमें क्या करना है, वापस यूज़ करना है। किसके लिए यूज़ करना है? प्रेफरेंस शेयर को एडिशनल डिविडेंड देने के लिए, इक्विटी शेयर को एडिशनल डिविडेंड देने के लिए, और जो इक्विटी शेयर का डिविडेंड होगा उसका 10% स्टाफ को बोनस मिलेगा उसके लिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर, ये यूज़ होगा ए किसके लिए, एडिशनल प्रेफरेंस डिविडेंड, एडिशनल प्रेफरेंस डिविडेंड एंड उसका टैक्स, ठीक है। दूसरा ये यूज़ होगा एडिशनल इक्विटी डिविडेंड एंड टैक्स, ठीक है, ये दो चीज़ें हमें देनी है। और सी बोनस टू स्टाफ, ठीक है, 10% ऑफ इक्विटी डिविडेंड। अब ये देखिए, बोनस टू स्टाफ का ऐसा है कि जितना भी इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा ओवरऑल, नॉर्मल वाला और एडिशनल वाला दोनों मिला के जितना भी इक्विटी शेयर का डिविडेंड होगा उसका 10% स्टाफ को बोनस मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल वाले का तो मिल ही गया है, नॉर्मल वाला जो इक्विटी डिविडेंड था उसका 10% स्टाफ को बोनस दे दिया हमने, तो ये जो एडिशनल डिविडेंड होगा उसका भी तो 10% स्टाफ को बोनस मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें इस प्रॉफिट के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्विटी शेयर का डिविडेंड पता करेंगे। देखिए, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा उसका 40% जो है वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है, एंड बैलेंस जो रहेगा उसके बाद में जो बैलेंस रहेगा वो इक्विटी का डिविडेंड होगा, ठीक है। तो इसमें हमें पता नहीं है कि इक्विटी शेयर का डिविडेंड कितना है, ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर का डिविडेंड पता नहीं होगा, तो स्टाफ का बोनस पता नहीं होगा, और प्रॉफिट पीछे रिमेनिंग कितना बचा है उसका फिर 40% प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज एडिशनल इक्विटी डिविडेंड इज एक्स, हम एडिशनल इक्विटी डिविडेंड को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो एडिशनल प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा, एडिशनल प्रेफरेंस डिविडेंड होगा कैसे, देखिए आपको कैसे पता करना है कि ये जो एक्स है, अब देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका 40% प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, तो माना कि जो पीछे बचा है प्रॉफिट 60% वो किसका रहा, इक्विटी शेयर का रहा। तो हमने क्या किया, ये जो एक्स माना है ये 60% के बराबर है, तो फिर 40% कितना होगा हम ऐसे पता करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये एक्स के आगे वन डिजिट मानी जाती है, ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 67.67x, ठीक है।
तो मतलब इक्विटी का डिविडेंड हो गया एक्स और प्रिफ्रेंस शेयर का डिविडेंड हो गया 0.67x। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे, तो बोनस कितना होगा स्टाफ का, तो यहाँ पे लिखते हैं बोनस टू स्टाफ हो जाएगा इक्विटी डिविडेंड का 10%, तो एक्स का 10% करेंगे हम ऐसे करके, तो ये आ जाएगा 0.10x। ठीक है, या 0.1x भी हम कह सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब हम कर रहे हैं टैक्स, ये लिख देते हैं टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड, जो इक्विटी डिविडेंड है उसका टैक्स, तो इक्विटी डिविडेंड है एक्स और एक्स के ऊपर 20.56% से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 0.2056x। ठीक है, इसी तरह टैक्स ऑन प्रिफरेंस डिविडेंड, टैक्स ऑन प्रिफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.67x का 20.56%, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0.137752x, कुछ इस स्टेप से निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से हमने क्या क्या किया, एडिशनल इक्विटी डिविडेंड, एडिशनल प्रेफरेंस डिविडेंड, स्टाफ का बोनस और दोनों डिविडेंड के ऊपर टैक्स, ये चीज़ें हैं जिसके लिए हमें क्या करना है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट बचा है ना, ये जो बैलेंस प्रॉफिट होगा, जो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद का प्रॉफिट है। ठीक है, आफ्टर अप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरी टू बैलेंस शीट। ठीक है, जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है 1,20,000, वो तो हमने पहले ही निकाल दिया है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रॉफिट हमें यूज़ करना है सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए, तो इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे इक्वेशन कैसे बनेगी, कि इक्विटी का डिविडेंड एक्स प्लस प्रिफरेंस का डिविडेंड 0.67x प्लस स्टाफ का बोनस तो 0.1x प्लस दोनों टैक्स, दोनों डिविडेंड के टैक्स, तो 0.2056x प्लस 0.137752x इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8 लाख, जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है 8,45,341 के बराबर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे एक्स वाली डिजिट है, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2.113352x। ठीक है, जो कि बराबर होगा 8,45,341 के बराबर। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू 8,45,341 डिवाइडेड बाय 2.113352x, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू, x मतलब इक्विटी का डिविडेंड, और इक्विटी का डिविडेंड मिल गया मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व, अब आपको पता चल जाएगा कि किसका कितना क्या है। ठीक है, तो अभी हम इक्विटी का डिविडेंड देखिए, इसको डिवाइड करके निकालेंगे तो आपके जो अप्रोक्स डिजिट आएगी वो आएगी 4 लाख। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो डिजिट रहेगी वो 4 लाख रहेगी, तो अब आपको पता चल गया कि इक्विटी का डिविडेंड कितना है, 4 लाख है, कौन सा वाला, एडिशनल। ठीक है, तो अभी हम इसको लिखते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे इसको यहाँ पे ऐसे, एडिशनल इक्विटी डिविडेंड इज कितना है, 4 लाख। ठीक है, इसी तरह हम पता कर लेंगे क्या, एडिशनल प्रिफरेंस डिविडेंड, वो कैसे पता चलेंगे, वो ऐसे पता चलेगा कि जब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, तो ये जो प्रिफरेंस का डिविडेंड था वो था क्या, 0.67x, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 0.67 × x, तो x की वैल्यू रख लेते हैं उसमें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो प्रिफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना रहेगा, ये रहेगा 2,68,000। ठीक है, 2,68,000। अब हम इसी तरह बोनस पता कर लेते हैं स्टाफ का, बोनस टू स्टाफ देखिए कितना होगा, इक्विटी डिविडेंड का 10%, तो इक्विटी डिविडेंड है, और दूसरा देखिए तो हम ऐसे भी देख सकते हैं 0.1 × x, तो 4 लाख। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 40,000,
तो ये चीज़ें हमने पता कर ली है। अब हमें क्या रहेगा, इजी रहेगा, अब इनके जो टैक्स है वो हम डायरेक्टली उसमें ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमने पता कर ली है, एडिशनल इक्विटी डिविडेंड, एडिशनल प्रेफरेंस डिविडेंड और स्टाफ का बोनस। तो ये क्या चीज़ें थी कि जो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल था वो अप्रोप्रिएट करने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को वापस रीअप्रोप्रिएट करना हो, और कंडीशन कुछ ऐसी हो कि जो बोनस का स्टाफ है वो इक्विटी डिविडेंड के ऊपर हो, और इक्विटी डिविडेंड डिपेंड करता है प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थी, तो हम क्या सिंपली कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसको एज ए इक्वेशन कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पूरा वो सरप्लस अकाउंट बना के और पूरे अप्रोप्रिएशन को हम शो करेंगे। तो देखिए हम सरप्लस का अकाउंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हम इस टाइप से ड्रॉ कर लेंगे, सरप्लस बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल शोइंग एलोकेशंस एंड अप्रोप्रिएशंस। तो यही हम स्टेटमेंट बनाते हैं एलोकेशन और अप्रोप्रिएशन को शो करने के लिए। तो ये भी देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट ईयर का, ठीक है, 2019 का। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारे पास में, जो भी हमने कैलकुलेट किया था, 12,38,400। ठीक है, इस पे हम ऐड कर देंगे बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल था 239,517। तो टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना अवेलेबल होगा, इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशंस। तो देखिए टोटल प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल हो गया था 14,77,917। ठीक है, तो ये हमने निकाला था। अब हम करते हैं इसमें लेस अप्रोप्रिएशंस, जितने भी हमने अप्रोप्रिएशंस इसमें लेने हैं वो सब लिखेंगे। तो देखिए अप्रोप्रिएशन में सबसे फर्स्ट जो था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो वो लिख देते हम ट्रांसफर टू, वो सारा जो किया था हमने वर्किंग नोट में किया था, ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो देखिए हमने कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, 10% करंट ईयर के प्रॉफिट का। तो करंट ईयर के प्रॉफिट का 10% हम देखिए अभी यहाँ पे वापस कर लेते हैं, 12,38,400 का 10%, तो ये था 1,23,840। ठीक है, फिर चलते हैं हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लिखेंगे, उसमें देखिए नॉर्मल वाला, नॉर्मल मतलब जो पहले से दिया गया था, तो नॉर्मल वाला जो डिविडेंड था वो हमने पहले ही देखिए फर्स्ट अप्रोप्रिएशंस में लिखा था, ये रहा, ये नॉर्मल डिविडेंड था जो नॉर्मली दिया जाएगा, तो 1,60,000 था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1,60,000। फिर हम लिखेंगे एडिशनल, एडिशनल जो था वो हमने कैलकुलेट किया था, और एडिशनल कैलकुलेट किया था, अब हमारे पास आया था ये रहा 2,68,000। ठीक है, तो वो 2,68,000 हम यहाँ पे लिखेंगे 2,68,000। टोटल जो इसका डिविडेंड होगा वो टोटल हो जाएगा, टोटल इसकी आएगी 4,28,000। ठीक है, तो 4,28,000 टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड है एडिशनल और नॉर्मल दोनों मिला के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20.56%। तो ये जो 4,28,000 है इसके ऊपर 4,28,000 पर एट द रेट ऑफ 20.56%, तो हम इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो कितनी आएगी देखिए अमाउंट, अमाउंट हमारे पास आएगी 87,000, यहाँ पे लिखते हैं हम 87,997। ठीक है, फिर इसी तरह हम करते हैं इक्विटी डिविडेंड की बात, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इक्विटी शेयर डिविडेंड। इक्विटी शेयर डिविडेंड भी ऐसे ही नॉर्मल और एडिशनल लिखना पड़ेगा हमें। तो देखिए नॉर्मल वाला जो था, नॉर्मल वाला हमने जो पहले अप्रोप्रिएशन में लिखा था कितना था, देखिए नॉर्मल जो इक्विटी शेयर डिविडेंड था वो 1,50,000 था। ठीक है, एंड देन हमने फिर कैलकुलेट किया इक्वेशन से, तो वो आया था 4,00,000 एडिशनल वाला। ठीक है, तो दोनों ही लिखने हैं हमें, तो पहला था 1,50,000 और दूसरा था 4,00,000।
तो ये जो टोटल होगा, टोटल हो जाएगा 5,50,000, 5,50,000, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20.56%, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, 5,50,000 पे एट द रेट ऑफ 20.56% कर लेते हैं। तो देखिए हम करेंगे तो कितना आएगा ये अमाउंट, ये आएगा 1,13,080, ये टैक्स है इक्विटी डिविडेंड का। फिर हम लिखेंगे क्या, बोनस टू स्टाफ, बोनस टू स्टाफ। अब बोनस टू स्टाफ में भी नॉर्मल और एडिशनल दोनों आ जाएंगे। तो नॉर्मल जो था बोनस, वो नॉर्मल डिविडेंड पे था 15,000 का, और एडिशनल जो था वो एडिशनल इक्विटी डिविडेंड पे था, तो वो था 40,000, 10%, ठीक है। तो टोटल ये हो जाएगा कितना, 55,000। फिर आपको क्या करनी है, इन सब की टोटल करके बाहर लेके जाना है। तो टोटल अप्रोप्रिएशन जो है, जनरल रिजर्व वाली प्रेफरेंस डिविडेंड, दोनों प्रेफरेंस का डिविडेंड का टैक्स, इक्विटी डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड का टैक्स और बोनस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ऐड करोगे तो फिर आपके पास टोटल अप्रोप्रिएशन आ जाएंगे 13,57,917, ठीक है, ये टोटल अप्रोप्रिएशन है। फिर हम क्या करेंगे, टोटल अप्रोप्रिएशन को ऊपर वाले टोटल में से लेस करेंगे, जो प्रॉफिट अवेलेबल थे हमारे पास। तो देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं हम, देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद अब आएगा आपके पास बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरी टू बैलेंस शीट, ठीक है, ये आपके पास आएगा अभी। तो जब आप सारे टोटल अप्रोप्रिएशन को, ये जो टोटल थी अप्रोप्रिएशन की 13,57,970, इसको आप माइनस करोगे किस में से, 14,77,917 में से, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, मतलब आपका कितना प्रॉफिट बचा है जिसे आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे कि वो प्रिफरेंस शेयर का कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे अपना आंसर पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन सही किया है या नहीं, यहाँ पे आना चाहिए 1,20,000, ठीक है। तो अगर ये 1,20,000 आता है तो सही है, और हमारा ये 1,20,000 ही आएगा जब हम उस टोटल को ऊपर वाले टोटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। और ये कितना है, प्रिफरेंस शेयर का 6% है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। तो कुछ इस टाइप के एडवांस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके।